शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। हज़रत अली बिन अबी तालब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि हज़रत दानियाल यतीम थे, इनके माँ बाप जिंदा ना थे। बनी इसराइल की एक खतून ने इनको गोद लेकर परवरिश की। इस ज़माने में बनी इसराइल में एक बादशाह था जिसके दो काजी थे। वो खतून बहुत हसीनो जमील और बारोब थी। वो बादशाह की खिदमत में गाहे बगाहे आया करती थी। इस खतून की बादशाह की खिदमत में आमदो रफ्त को दोनों काजी बड़े गौर से देखा करते थे। इसकी मोहब्बत इन दोनों के दिलों में जगह कर और वो इसे अंदर ही अंदर दिलो जान से चाहने लगे। एक मर्तबा मौका पाकर उन्होंने इस पाकबाज खतून से अपनी अंदरूनी कैफियत का इजहार कर दिया और इसे ये महसूस कराने की कोशिश की कि हम दोनों तुमसे बहुत प्यार और मोहब्बत करते हैं। हमें यकीन है कि हमारे इश्क को तुम कबूल करोगी। मगर इस पाकबाज खतून ने इन्हें नसीहत की और इनकी मोहब्बत कबूल करने से इनकार कर दिया। दोनों काजियों ने तरह तरह इसे भला फसला कर अपनी झूठी मोहब्बत के दम फरेब में फंसाना चाहा, मगर वो किसी भी तरह इनके हाथ नहीं आई। जब दोनों काजियों ने देखा कि ये खूबसूरत खतून किसी भी कीमत पर इनके हाथ नहीं आ सकती तो उन्होंने झुंझला कर बादशाह के रूबरू ये शिकायत कर दी कि जो औरत आपको आकर पंदो नसा किया करती है उसने जिना जैसे अजीम गुनाह का इर्तकाब किया है। बादशाह ने जब अपने काजियों की शहादत सुनी तो वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया और इसे बेहद सदमा पहुंचा क्योंकि वो इस खतून की शराफत और नजाबत का दिल से कायल था, मगर काजियों की शहादत को भी जुटला नहीं सकता था। गर्ज बादशाह ने दोनों काजियों की शहादत पाने के बाद मजीद तहकीको तफ्तीश की जरूरत महसूस नहीं की और इनसे कहा तुम दोनों की शहादत काबिले कबूल है। फिर बादशाह ने इस औरत को 3 दिन की मोहलत दी और इसके बाद इसको संसारी का हुक्म दे दिया। निज शहर में ये मनादी करा दी कि फलां दिन फलां औरत को संसार किया जाएगा, लोग इसे देखने के लिए हाजिर हो जाएं। बादशाह ने गर्चा इस औरत की संसारी का हुक्म दे दिया था मगर अंदर से वो बहुत परेशान था। उसने अपने एक खास मुतमिद वजीर से पूछा, क्या किसी हीले बहाने से उस औरत को संसार होने से बचाया जा सकता है? वजीर ने अर्ज की, अब जबकि शहर में इसकी संसारी की मनादी करा दी गई है और ये संसारी का फैसला आप ही के करीबी दो काजियों की शहादत की बुनियाद पर दिया गया, फिर ऐसी सूरत में उस औरत की संसारी के फैसले पर अमल दरामद न करने में कौन सी चीज माना हो सकती है? तीसरे दिन जो कि उस औरत के संसार होने का दिन था, बादशाह का वो मुतमिद वजीर घर से निकला। उसने देखा कि चंद बच्चे खेल रहे हैं। दोनों काजी लड़के और वो लड़का जो औरत के रूप में था सामने खड़े थे। हजरत दानियाल ने दूसरे लड़के से कहा कि वो एक काजी क्या हाथ पकड़कर दूर फलां जगह ले जाए। जब वो चले गए तो दूसरे काजी को बुलाकर सख्ती से कहा, सच बताओ वरना कत्ल कर दूंगा, तो किस बुनियाद पर उस औरत के बारे में जना की गवाही देता है? काजी कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि उस औरत ने जिना का इर्तकाब किया है। हजरत दानियाल ने पूछा, कब? नन्हे काजी ने जवाब दिया, फलां जगह। हजरत दानियाल ने लड़कों से कहा, उस काजी को ले जाओ और दूसरे काजी को मेरे पास बुला लाओ। लड़कों ने हुक्म की तमील की। हजरत दानियाल दूसरे काजी से भी वही सवालात किए जो पहले काजी से कर चुके थे, मगर उस दूसरे काजी के जवाबात पहले काजी के जवाबात से मुख्तलिफ थे। हजरत दानियाल जोर से अल्लाह अकबर पुकार उठे। बादशाह को होश आया और उसने हजरत दानियाल की तरह दोनों काजियों को बुला भेजा और इन्हें अलग अलग करके इनसे बयानात लिए। मालूम हुआ कि दोनों के बयानात मुख्तलिफ हैं। चनाचे बादशाह ने लोगों में ये मनादी करा दी कि काजियों के कत्ल का मुशाहदा करने के लिए लोग फला मैदान में जमा हो जाए। फिर मजमा आम के सामने बादशाह ने दोनों काजियों को कत्ल करा दिया और पाकीज़ा खतून को बाइज्जत इसके घर भेज दिया।